साथियों, कोरोना वॉरियर्स कौन होते हैं? कोरोना वॉरियर्स वो है जो हमारी सेवा में लगे हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। और देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक वही याद आ रहा है मुझे जब एचआईवी पॉजिटिव लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको बहिष्कृत किया जाता था। और वही चीज अब उन लोगों के साथ हो रही है जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि वो ठीक भी हो जाते हैं और वापस आते हैं, मगर किस प्रकार से लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं। जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि अगर कोरोना पॉजिटिव कोई पाया गया है तो ये फ्लू की तरह है। और इसलिए ये जो हॉटस्पॉट्स है इनको सील करे जा रहे हैं ताकि ये फैले ना, क्योंकि इसकी अभी कोई दवाई नहीं है। रिसर्च करी जा रही है, वैज्ञानिक जल्द इसकी दवाई निकाल भी लेंगे, मगर तब तक क्या आप समाज से उन लोगों को बहिष्कृत करने लग जाएंगे जो हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं? इस नर्स की कहानी को देखकर आंखों में अगर आंसू ना आ गए तो कहिएगा। इसकी छोटी सी बच्ची है, इसके माता पिता हैं, इसकी जो माँ है वो बीमार है। और किस प्रकार से जब वो कोरोना पॉजिटिव हुई तो उन्होंने खबर करी अपने घर में, लेकिन किस प्रकार से आसपास के लोगों ने उनके माता पिता को, उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया, उनका उत्पीड़न किया, कौन है जिम्मेदार? वहां पे अनाउंसमेंट करी गई जिस वक्त वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि उनके संपर्क में वे ना आए, उनसे दूर रहे, सावधानी बरते। परंतु जब वो उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए और उन्हें वापस भेजा गया, तब क्या हुआ? तब क्या किसी ने आके अनाउंसमेंट करी? नहीं करी। तो ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, जहां से ये जो बेटी है भारत की, जो कोविड वॉरियर है, ये आती है। इसके साथ जो हुआ है वो गलत है और ये लोगों को भी समझना चाहिए और आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए यदि आप इस तरह का बर्ताव उनके साथ करते हैं जो हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। बीमार होने के बाद ठीक होकर भी वापस आते हैं तो आप ये सब करते हैं उनके साथ। और मेरा निवेदन है महाराष्ट्र सरकार से, मेरा निवेदन है हर उस सरकार से जहां वे अनाउंसमेंट करते हैं लोगों को बताने के लिए कि कौन कौन लोग पॉजिटिव हैं, वो लोग इसी प्रक्रिया को जरूर दोहराएं और इसमें कोताही ना बरते जब वे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ताकि वे समाज में वापस जाएं अपने, तो उनका बहिष्कार ना किया जाए, उनका उत्पीड़न ना किया जाए। और यदि कोई भी ऐसा करता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाए। एक माँ, एक बेटी, क्या किया आप लोगों ने? सोचा है कभी आपने? अगर आपके यहाँ किसी कोई बीमार हो जाता है और ये लड़की आपका इलाज करने को तैयार ना हो, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि नर्स होकर भी इसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। कोविड वॉरियर्स अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को हमारे लिए बलि देने को तैयार बैठ। कंटिन्यूज सुरेखा, हेलो, आप हमको पहले बताइए आप कब इन्फेक्ट हुई थी और मतलब कितना टाइम लगा आपकी रिकवरी के लिए, वो पूरा प्रोसेस हमको बताइए। इन्फेक्ट एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट डे, मैं 6 दिन से हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि स्टाफ नहीं था तो ट्रिपल ड्यूटी कर रही थी। वेन जो पेशेंट आया था हमारे हॉस्पिटल में वो 23rd को आया था, देन 25 को उसका डिस्चार्ज हुआ था और उसका 26 को इवनिंग में रिपोर्ट आया कि पॉजिटिव है करके। हमको कुछ आइडिया भी नहीं था कि पेशेंट पॉजिटिव है या कुछ है, तो पूरा जितना भी पेशेंट के कांटेक्ट में जितने भी गए थे ना हमारे स्टाफ, सबका चेकअप किया हम लोग ने और उनको क्वारंटाइन कर दिया था जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक। तो उसमें से मेरा पॉजिटिव आया था। सुरेखा, आपकी रिकवरी, अब आप रिकवर हो गई हैं, है ना? आपके माँ बाप अभी भी हॉस्पिटल में है, राइट? तो मुझे बताइए आपकी रिकवरी के बाद या जब आप होम क्वारंटाइन थी, तब के क्या हालात थे? आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था? मैम, होम क्वारंटाइन जब थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरी मम्मी पापा को इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि मुझे ऐसा हो गया है, क्योंकि मम्मी का ऑलरेडी स्ट्रोक आया हुआ है और 3 महीने पहले पापा को भी माइनर अटैक आया था। तो मैंने बीएमसी वालों को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैंने खुद बीएमसी को इन्फॉर्म किया था। माइक लगा के अनाउंस करके बोला है कि साई हॉस्पिटल की सुरेखा जाधव है, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और कोई भी उनके जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई भी जाएगा नहीं, पूरा सील कर दिया
इवन मेरे मैं जहाँ पे जो चौल में रहती हूँ एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब एरिया में है लेकिन मेरे चौल में मैं अकेली थी, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती, मैं काम एंड घर। मेरे अगर बच्चे का नेगेटिव रिपोर्ट आया तो उनको रखने का मतलब क्या है? घर में भी क्वारंटाइन हो सकते हैं। मेरे भाई के एरिया में भी उन लोग ने इतना उसको टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। मेरी मौसी तो कल भी बहुत मारने के लिए गए थे लोग, यही कहते तेरी बहन की लड़की पॉजिटिव थी, उसकी बच्ची तेरे पास थी। मेरी मौसी का भी नेगेटिव रिपोर्ट आया है, दो दिन मेरी बच्ची थी वहाँ पे, फिर भी अभी भी टॉर्चर कर रहे लोग। अभी भी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं बाहर आती हूँ कुछ ना कुछ देखते हैं, मुँह पे कपड़ा लगे, अरे मैं नॉर्मल हूँ। इवन कस्तूरबा के डॉक्टर्स लोग ने भी मुझे बोला है कि बेटा आप अभी ठीक हो, उन्होंने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया मेरे साथ में, आप ठीक हो, अभी आप खुद ख्याल रखो क्योंकि आप नेगेटिव होके जा रहे हो, तो आपके आजू बाजू में कोई पॉजिटिव रहेगा आप ख्याल रखो जब तक लॉकडाउन है। लेकिन एरिया में जिस तरीके से इन लोग बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको गलत सलत बोला जा रहा है। यहाँ पे पुलिस लोग ने मारा है उनको लिटरली। और यहाँ पे एक लड़का है कोई कार्यकर्ता, उन्होंने भी उनको मारा है। मेरे 7 साल के बच्चे कम से कम 8 दिन सफर कर रही थी मैं अकेली वहाँ पे, मेरे बच्ची मेरे माँ बाप मेरी मम्मी को कुछ समझता नहीं है, ब्रेन में स्ट्रोक आया है। अगर मैं नेगेटिव आई हूँ तो आप यहाँ पे आके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले नहीं नहीं अभी मैं तेरे अकेली के लिए थोड़ी आ सकती हूँ वहाँ पे। तो एक बात बताइए, जो सोसाइटी वाले हैं ये आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आपने इससे पहले हमको बताया था कि बहुत मतलब राशन नहीं दे रहे हैं या राशन जब मैं क्वारंटाइन थी तभी राहुल से वाले सर ने राशन बांटा था यहाँ पे, तो मेरे गली में मतलब फेस देख के उन्होंने राशन दिया है, राहुल छेवाले सर ने नहीं, उन्होंने तो यहाँ के कार्यकर्ता के हाथ में दे दिया था कि जिनको जरूरत है आप दे दो, उन्होंने अच्छा काम किया। बट यहाँ के जो है पर्टिकुलर कुछ पर्सन है, उन्होंने क्या किया, सब लोग का मुंह देख के मतलब ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी, ये हमारा घर है, इतने लोगों को दिया है, जिनको जरूरत है उनको नहीं दिया। मेरे और मेरे मौसी को भी नहीं मिला क्योंकि वो मेरी बच्ची को संभाल रही थी 2 दिन से। इसके लिए मैं अब हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ लोगों की भलाई के लिए, अब थोड़ा तो एक कुछ तो दिखाओ कि चलो लड़की जा रही थी, चलो मैं किधर घूमने तो नहीं गई थी, घूम के आई और मुझे हुआ और मैंने लोगों को भी इन्फेक्टेड किया, ऐसा तो नहीं हुआ था। बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी बता रहे हैं मेरे बारे में कुछ भी। हाँ एक बात बताइए, आप नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती हैं, ठीक है, एंड मतलब बहुत जगह से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, खबरें आ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको मतलब प्रॉपर सेफ्टी गेयर नहीं दिया जा रहा है, और इस तरीके की वारदातें तो बहुत हो रही हैं जहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लैंडलॉर्ड्स निकलने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो आपके कांटेक्ट में और कोई आपके केसेस हैं, आपके नज़दीकी लोग या दोस्त जिनके साथ ये सब हुआ है? नहीं मेरे कॉन्टेक्ट में तो इतने नहीं है, बट मेरा एक पर्सनल मानना है, एक पुलिस वाले को पॉजिटिव आया था न्यूज़ में, मैंने कल परसों पढ़ा। अगर आप पुलिस वाले के लिए सेपरेटली हॉस्पिटल खोल रहे हो, मेडिकल फील्ड में जो स्टाफ है उनके लिए क्या कर रहे हो आप? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो काम किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती की हॉस्पिटल में काम कर, सीरियसली सॉरी, कोई बात नहीं। सुरेखा मेरी इतनी सी बच्ची है, रिपोर्ट नेगेटिव आते हुए भी इन लोग ने मेरे बच्चे के साथ, मेरा पॉजिटिव है आप मुझे आके बोलो, मेरे बच्चे माँ बाप को भी तकलीफ, मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ करो आप, उनको भी कुछ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर मेरा नेगेटिव आया तो सब लोग आओ एकजुट के, सब लोग बोलो अब ये लड़के ठीक हो गए, कोई भी इसके साथ पूरा बर्ताव नहीं करेगा। मैंने बहुत फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ पुलिस वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हम भी तो कर रहे हैं ना, हमारे लिए भी सेपरेटली कुछ तो करो। अगर मैं घर पे रहती तो मुझे थोड़ी ना पॉजिटिव होता था, मैं काम पे जा रही थी तभी हुआ है ना, तो कुछ भी ऐसा मतलब दिखाया नहीं। जब मैं आई
नॉर्मल पीपल को तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, कोई देखने के लिए भी नहीं आया कि मैं घर पे आई हूँ नहीं आई हूँ। रेखा मुझे एक बात बताइए, आपके फैमिली फैमिली में मतलब जब आप पॉजिटिव टेस्ट हुई थी या उसके पहले, जब ये सब क्राइसिस सब जानते हैं, तो उनको उनके क्या डर था, फैमिली का कैसा माहौल था जब उनको पता है आप डे टू डे बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे कोई पेशेंट्स के साथ आपका हो सकता है कोई आमना सामना हो जाए, उनका क्या डर था, उनका क्या माहौल था, घर का क्या माहौल था? डर एक्चुअली मम्मी पापा बोल रहे थे मुझे कि बेटा इतना सब इश्यू चल रहा है मत जा। मैंने बोला सर पापा को, मैंने बोला डैडी हम लोग सब प्रिकॉशन ले रहे, इतना कुछ इश्यू नहीं है, जो भी होगा अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा, मेडिकल फील्ड से ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं वो होती है, और अगर नसीब में है मैं घर पे भी रहूँगी तो भी हो सकता है, तो मैं हॉस्पिटल में उससे अच्छा मैं काम करके कुछ तो करूँ। तो मम्मी पापा बहुत वरेड कर रहे थे, नहीं बच्चे भी वो रो, क्योंकि 6 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, मैं घर पे गई नहीं, मैं 25 से लेके डायरेक्टली मैं अभी 20 तारीख को घर पर आई। सुरेखा एक बात बताइए, अब आपके घर का माहौल कैसा है, अब जब आप ठीक हुई हैं क्या आपके घर वाले आपके पेरेंट्स आपको वापस काम पे भेजने के लिए तैयार हैं, या वो अभी भी डर रहे हैं, या कैसा माहौल है अभी का, अभी की बात करें? अभी फिलहाल तो मम्मी अभी हॉस्पिटल में होते हुए भी बोल रही है बेटा अभी घर पे बैठ, एक दो कम से कम 2 महीना टाइम हमको दे, फिर 2 महीने के बाद तू ज्वाइन कर सकती, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनको अच्छे दिख रही हूँ ना, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो उनको, लेकिन वो बोल रहे नहीं ठीक है कोई बात नहीं। सुरेखा आप ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हैं अभी, आपके मन में कोई डर या आप वापस ज्वाइन करना चाहती हैं, और कब से करेंगी ये क्या? डर तो नहीं है बिल्कुल भी, कि मुझे ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ है कि कोरोना कोरोना जो इतना इश्यू करके रखा है लोगों ने, मुझे ऐसा इतना लेवल का कुछ तकलीफ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्वाइन तो ऑब्वियसली मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी फिलहाल, जब तक मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं आते, देन उनको थोड़ा टाइम देना है मुझे, और जो भी चीज़ें हुई है उनको सॉर्ट आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैं ज्वाइन जरूर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, 1 महीना 1.5 महीना कम से कम घर पे बैठूंगी। थैंक यू सुरेखा। थैंक यू सो मच। दिस वॉज सुरेखा जाधव, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु इज अंडरगोइंग अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इवन आफ्टर गेटिंग क्योर्ड फ्रॉम द डेडली वायरस। सो ऑल आई थिंक कुड से इज We will find a cure for COVID-19, but for stigma, we won't. This is Nazia Sayed with Shiva Devnath for Mojo News, Mumbai.